आखिर NEET 22 का पेपर कैसा होगा, ये हार्ड होगा, मॉडरेट होगा या इजी होगा, इस प्रकार के क्वेश्चन अभी हर एक स्टूडेंट के दिमाग में आ रहे हैं। अभी 17 जुलाई की एग्जाम है, एग्जाम के लिए एक महीने का समय शेष बचा है और इस प्रकार के क्वेश्चन हर एक स्टूडेंट के दिमाग में आ रहे हैं कि पेपर हार्ड होगा, इजी होगा, मॉडरेट होगा, कैसा पेपर रहेगा, नीट 22 की कट ऑफ क्या रह सकती है। तो इस प्रकार से कमेंट्स भी मेरे पास काफी आ रहे हैं, काफी दिनों से कमेंट्स आ रहे थे कि एक इस प्रकार का वीडियो बनाएं जिसमें कट ऑफ प्रेडिक्ट की जाए और पेपर का डिफिकल्टी लेवल कैसा रहे ये बताया जाए। ये काफी दिनों से मैं इसको अवॉइड कर रहा था, लेकिन काफी जब कमेंट्स आ रहे हैं तो मैंने सोचा इसके बारे में एक वीडियो बना दिया जाए। तो इस वीडियो में हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे। जय हिंद। मैं हर्षाई चोपड़ा आपके ही अपने यूट्यूब चैनल चोपड़ा एजुकेशन पर हार्दिक स्वागत करता हूं। सबसे पहले हमारे दिमाग में यही आता है कि नीट 22 का पेपर कैसा रहेगा, इसका डिफिकल्टी लेवल कैसा रहेगा, हार्ड रहेगा, मॉडरेट रहेगा या इजी रहेगा। तो मैं आपको ये क्लियर बता दूं कि अभी एनटीए की एग्जाम हुई नहीं है, नीट का एग्जाम हुआ नहीं है, तो उससे पहले ये कोई भी नहीं बता सकता कि नीट 22 का पेपर कैसा रहेगा। मैं अपने हर एक वीडियो में यही बोलता हूं कि हम फ्यूचर को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, फ्यूचर के बारे में नहीं बता सकते। अगर इसका पेपर हो जाता है, नीट 22 का एग्जाम हो जाता है, हमारे पास में पेपर आ जाता है इजी रहा है कैसा, उसके अकॉर्डिंग हम कट ऑफ डिसाइड कर सकते हैं। वो कट ऑफ तकरीबन एक्यूरेट जाती है, कभी काफी वेरिएशन भी हो जाता है, लेकिन रैंक आने के बाद हम कट ऑफ प्रेडिक्ट करते हैं तो वो एक्यूरेट ही जाती है। लेकिन एग्जाम से पहले कोई भी ये नहीं बता सकता कि नीट 22 का पेपर कैसा रहेगा, हार्ड रहेगा, इजी रहेगा, मॉडरेट रहेगा, ये कोई भी नहीं बता सकता। अगर कोई बताता है तो वो भगवान नहीं है, वो हमें धोखे में ही रख रहा है। मैं आपको इसके बारे में एक कहानी बताता हूं, क्योंकि भगवान को भी पता नहीं है कि अभी नीट 22 का पेपर कैसा रहेगा। एक बार भगवान एक किसान के खेत से जा रहा था। किसान ने मना किया कि भाई आप कौन हैं, मेरे खेत से डायरेक्ट कैसे जा रहे हैं। तो उसने बोला कि मैं भगवान हूं। तो बोले भाई भगवान है तो फिर आप क्या करते हैं। तो उन्होंने बोला कि मैं भगवान हूं, मैं फ्यूचर के बारे में बता देता हूं कि आगे क्या होने वाला है। तो उस किसान के हाथ में लाठी थी। किसान ने बोला कि चलो आप भगवान हैं, फ्यूचर के बारे में बता देते हैं, तो बताओ ये लाठी मैं आपके सिर पे मारूंगा या पांव पे मारूंगा। अभी वो भगवान बोलता है कि आप मेरे सिर पे मारेंगे तो वो पांव पे मार देगा, अगर वो बोलेंगे आप मेरे पांव पे मारेंगे तो वो सिर पे मार देगा। तो भगवान भी इस बात के लिए असमंजस में था कि मैं क्या बोलूं, उसके पास भी इसका जवाब नहीं था। तो ये ही सेम मैटर एनटीए का है। अगर कोई आपको बोलता है कि पेपर इजी आएगा, पेपर एनटीए का हार्ड आ जाए, कोई बोलता है पेपर हार्ड आएगा तो इजी भी आ सकता है। तो इसका अभी भगवान के पास भी जवाब नहीं है कि नीट 22 का पेपर कैसा रहेगा, तो आपको कौन बता सकता है। अभी कोई नहीं बता सकता नीट 22 का पेपर कैसा रहेगा और इसकी कट ऑफ क्या रह सकती है। ये एक बार एग्जाम होने के बाद ही पता लगेगा कि नीट 22 की कट ऑफ क्या रहेगी अभी। लेकिन इस पेपर को आप अपने लिए इजी बना सकते हैं, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं। नीट 22 का पेपर आप अपने लिए बहुत ही इजी बना सकते हैं और प्रीवियस ईयर में स्टूडेंट्स ने बनाया है। अभी आपके पास में एक महीने का समय बचा है, आपने पढ़ सब कुछ रखा है, इसी एक महीने के टाइम में आपको मेहनत करके इस पेपर को इजी बनाना है। आप डीटीएस लगाओ, डेली टेस्ट सीरीज लगाओ, आरटीएस लगाओ, रिवीजन टेस्ट सीरीज लगाओ, इसके बाद में टेस्ट सीरीज की प्रैक्टिस करो आप। यही आपके पास में समय है कि आप नीट 22 में सिलेक्शन करवा सकते हैं।
पढ़वा आपने सब कुछ रखा है, प्रैक्टिस आपको करनी है और मेन रिवीजन ही होता है। किसी भी एग्जाम को फाइट करने के लिए आप जितनी भी बार रिवीजन करोगे वो आपके लिए पेपर इजी रहेगा। अभी आपके पास एक महीने का समय है, इस एक महीने में आप दिन रात एक करके इस पेपर को इजी बना सकते हैं। आप 16 आवर्स डेली स्टडी कर सकते हैं और ये पेपर को इजी बना सकते हैं। उदाहरण के तौर पर मैं आपको प्रैक्टिकली बता देता हूं, क्योंकि जो भी बात करता हूं वो थ्योरेटिकल बात करता हूं। अभी 2020 और 2021 का ही हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। पेपर 21 में हार्ड था, लेकिन जो ऊपर के टॉप के 10,000 स्टूडेंट थे उन्होंने इस पेपर को अपने लिए 2020 से इजी बनाया था। मतलब कहने का मतलब ये है कि उनको एक्स्ट्रा टाइम मिल गया था और उस एक्स्ट्रा टाइम में इतने उन्होंने मेहनत की है, इतनी मेहनत की है कि वो पेपर 9,800 स्टूडेंट्स के लिए वो इजी था 2020 की बजाय। मतलब कि 20 में उनको काफी सारा पेपर हार्ड था, लेकिन जो 21 में उन्होंने इतनी मेहनत की कि वो पेपर उन्होंने अपने लिए इजी बना लिया। कहने का मतलब ये है कि पेपर कुछ स्टूडेंट्स के लिए हार्ड होता है और कुछ स्टूडेंट्स के लिए इजी होता है। इजी किनके लिए होता है? जिन्होंने मेहनत की है उनके लिए इजी होता है और जिन्होंने मेहनत नहीं की उनके लिए हार्ड होता है। तो नीट 22 का पेपर कैसा रहेगा ये आपको पता है, हमें पता नहीं है, भगवान को भी पता नहीं है, लेकिन आपको पता है, क्योंकि अगर आप मेहनत करेंगे तो आपके लिए इजी रहेगा और आप मेहनत नहीं करेंगे तो आपके लिए हार्ड रहेगा। तो ये आपको पता है कि ये पेपर कैसा रहेगा, नीट 22 का पेपर कैसा रहेगा। क्योंकि अगर हम एक आंकड़ा देखें, मैं जो आपको 10,000 का उदाहरण दे रहा हूं वो किस बेस पर दे रहा हूं, वो इस बेस पर दे रहा हूं कि नीट 20 और 21 का जब हम कंपैरिजन करें तो 630 मार्क्स पर नीट 21 में जो रैंक थी वो 8,524 रैंक थी, लेकिन 2020 में यही रैंक 8,367 रैंक थी। लेकिन जब 625 मार्क्स का हम देखें तो ये 21 में 9,896 रैंक थी और 625 सेम मार्क्स पर 2020 में ये रैंक 9,916 थी। तो ये जो 10,000 बच्चे हैं, अप्रोक्सीमेटली 9,800 जो स्टूडेंट थे 21 में, उनको ये पेपर इजी लगा था 2020 की बजाय, क्योंकि उन्होंने मेहनत अच्छी की थी। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये तो बात दिमाग से निकाल दें कि कैसा पेपर रहेगा, क्या कट ऑफ रहेगी, इसके बारे में तो सोचे ही नहीं। यही एक दिमाग में रखें कि इस पेपर को इजी और हार्ड बनाना आपके हाथ में है, जैसे कि प्रीवियस ईयर में स्टूडेंट्स ने अपने लिए किया है। हर एक स्टूडेंट के लिए पेपर इजी, हर एक स्टूडेंट के लिए पेपर हार्ड बनाना उसके अपने हाथ में है। अभी आपके पास में समय है एक महीने का और इसमें आप टेस्ट प्रैक्टिस जितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे वो आपके लिए लाभदायक रहेगी, क्योंकि पट आपने सब कुछ लिया है। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे वो आपके लिए बेटर रहेगा। 16 आवर्स डेली स्टडी करनी है, ये एक महीने का समय है। इस एक महीने में अगर आप जी जान मेहनत करेंगे तो आपकी लाइफ सेटल हो जाएगी, यानी कि आप लाइफ में आगे बहुत कुछ कर सकते हैं सिर्फ एक महीने की परेशानी से। तो ये जानकारी थी पेपर के डिफिकल्टी लेवल के बारे में, कट ऑफ के बारे में, जो मैंने आपको सच बता दिया है कि क्या होने वाला है। तो मैं आशा करता हूं कि आप अच्छी मेहनत करेंगे, अच्छे मार्क्स लाएंगे और इस एक महीने में मेहनत करके इस पेपर को इतना इजी बनाएंगे कि ये
आपको सिलेक्शन करवाएगा नीट 22 की काउंसलिंग में। तो मिलेंगे नई अपडेट के साथ नए वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक।